हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ वारियर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अश्विनी कुमार और मैं एएसओ के पद पर तैनात हूँ एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। दोस्तों, आज का वीडियो है उन लोग के लिए जो कि सीएचएसएल का जिनका रिजल्ट आया है 2018 वाला भी हाल ही में। तो पहले तो मैं जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। आखिर 2 साल से ज़्यादा समय होने के बाद जो प्री हुआ था उससे लेके वो फाइनल रिजल्ट आया, तब तक 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। उसके बाद आखिरकार आपको जो जिसके लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, काफ़ी आप लोगों ने स्ट्रगल भी किया होगा, तो आखिरकार जो आपकी जो मेहनत आपने की थी वो सफल हुई। तो डेफिनेटली यू डिज़र्व कंग्रेचुलेशंस। एंड द स्टूडेंट्स, जो भी लोग जो कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है फाइनल लिस्ट में, तो उन लोग के लिए जैसा कि हम लोगों ने पूरी टीम ने एक बार वीडियो बना के उन लोग को मोटिवेट भी किया था, और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यू आप लोग को गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अलावा एसएससी के अलावा जो भी अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी के ही कई एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी का सीएचएसएल के अलावा सीजीएल भी होता है, ठीक है। अगर आपके फिजिकल ठीक है तो आप लोग सीपीओ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, स्टेनो के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। स्टेनो में जो सी और डी होता है उसमें सी वाला रहता है, वो 4600 ग्रेड पे का रहता है। तो 12th के बाद जस्ट आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी, तो वो कि काफ़ी अच्छी है। अभी हाल ही में मेरी मिनिस्ट्री में ही एफएचक्यू में 2018 बैच के लोग ज्वाइन किए हैं स्टेनो वाले, कई उसमें 4600 ग्रेड पे वाले भी हैं। तो मैंने उनसे बात की तो काफ़ी अच्छी जॉब है वो भी, तो आप लोग उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो कि स्टेट के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो मैंने कहा था आप लोग से पहले भी और फिर से बोलता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के जो आपकी जो भी जिस आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए आप फॉर्म भरते रहिए, उनकी तैयारी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि एसएससी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप का हो गया है। तो आप लोग को केवल एसएससी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग केवल एसएससी के ही एग्ज़ाम की तैयारी करें, या स्पेसिफिकली एसएससी का एक कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम है उसी के पीछे आप लोग लगे रहें, उसका रिजल्ट अगर लेट हो रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चक्कर में आप बाकी एग्ज़ाम्स को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक के साथ अगर रेलवे में आ रहा है तो वो भी ट्राई करिए, ठीक है। LIC हो गया, और बैंक में आपका अच्छा स्कोप है, अगर आपको रीजनिंग वगैरह मैथ क्वांट वगैरह अच्छी लगती है तो आप बैंकिंग सेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। बस ये आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल रहें, ये नहीं कि आप लोग को ये फील हो कि मैं ये भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, हो कुछ भी सही से नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जहाँ तक एज़ फार एज़ यू आर कम्फर्टेबल यू कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्ज़ाम्स टू, ठीक है। तो और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अगर आप लोग कभी भी डीमोटिवेट फील होते हैं तो कभी भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स वॉरियर्स का, उसमें आप जाइए, आपके लिए आप उसमें बीपी सर हैं जो, या सचिन राठौर सर हैं, या मेरा उसमें अश्विनी कुमार नाम से होगा, आप तीनों को कभी भी पर्सनल मैसेज करके उनसे टाइम मांग के आप लोग उनसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको केवल यहाँ पर चैनल के थ्रू प्रवचन देने का हमारा इरादा नहीं है, हम लोग आपको चाहते हैं रियल में आपसे टच में रहना, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग आगे निकलें, डिफरेंट एग्जाम्स में निकलें, और हम लोग अगर थोड़ी भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं उस दिशा में, तो ये हमारे लिए भी एक काफ़ी गर्व की बात होगी कि हमने जिसको गाइडेंस प्रोवाइड कराई और वो बंदा कुछ अच्छी जगह पहुँच गया, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली मेहनत करिए, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत होता है जो आप स्टेज से गुजर रहे हैं, किसी न किसी पॉइंट लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे हम लोगों ने भी सेम सिचुएशन को फेस किया है, तो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग गिव अप मत करिए, ना निराश होइए, फिर से लग जाइए, दोगुनी मेहनत के साथ लग जाइए, ठीक है। जिसमें मान लो कि आपका एनालाइज करिए चीज़ों को, कहाँ कमी रहेगी, और नेक्स्ट टाइम उस कमी को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कंपटीशन है, पेपर आते हैं जाते हैं, लेकिन आप लोग को अपना मोटिवेशन लेवल बनाए रखना है और पहले से बेहतर मेहनत करनी है, ठीक है, जिससे कि अगली बार कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी है। अगली बार इस बार आपका इसमें नहीं हुआ, एक साल के बाद आप लोग इतनी मेहनत करिए एक साल के अंदर कि 3-4 एग्ज़ाम एक साथ निकले, ठीक है। तो वो होगा आपका जो सक्सेस होगी आपकी, वो होगी, ना कि एक एग्ज़ाम निकल गया आप उसको लेके बैठ गए, या फिर मान लो एग्ज़ाम निकल गया कई लोग वहीं रुक जाते हैं, रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका CHSL निकल रहा है तो CGL की तैयारी करिए, और अगर आपका CGL भी निकल जाता है तो आप आगे तैयारी करिए, स्टेट PCS की करिए, UPSC की करिए। तो मैं तो यही कहूँगा, आपको कभी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। सक्सेस इज़ अ प्रोग्रेसिव जर्नी, सक्सेस कभी ये नहीं होती सक्सेस मिल गई कोई भी इंसान बैठ गया,
कोई भी सक्सेसफुल पीपल है, कोई भी पर्सन है सक्सेसफुल, तो कभी भी एक जगह सक्सेस मिलने के बाद बैठता नहीं। किसी भी फील्ड में आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, या फिर कोई ऑथर हो, या कोई भी हो, कोई एजुकेटर हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर उसको सक्सेस मिल जाती है, अगर वो रुक जाता है तो उसके वहीं से उसका डाउनफॉल है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको हर स्टेप पर, अगर आप एक स्टेप ऊपर जो लोग सिलेक्ट हो गए उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको आगे की तैयारी अभी से ही चालू कर देनी चाहिए। ठीक है, लगे रहिए, आप लोग रुकिए मत, कॉम्प्लेसेंट मत होइए। ठीक है, मेरा तो यही कहना है और बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं तो आपको एक अच्छी गाइडेंस ही प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग जो आज का मुख्य मुद्दा है उस पर आते हैं। तो वो ये है कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल डिजर्व दैट। ठीक है, और जिन लोग को AFHQ मिला है, तो वो लोग, तो जैसा कि मैं खुद AFHQ में ASO हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। अगर आप लोग को AFHQ जिनको भी मिला है CHSL के थ्रू, इस बार LDC उनको मिला है AFHQ के थ्रू, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मुझे जानने में खुशी होगी कि कौन कौन लोग हैं जिनको AFHQ कैडर मिला है। तो आज उन्हीं AFHQ जिनको मिला है, उन्हीं के जो रियलिटी आने से लेके फाइनल उनकी जब तक ज्वाइनिंग होगी AFHQ में, जब वो आएंगे, उसके बीच का जो प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस, मैं उसकी बात करूँगा। ठीक है, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेरे ऑफिस में ही एक हैं, 18 में शायद उन्होंने ज्वाइन किया था, 2-3 साल उनको हो गए, तो वो LDC हैं, तो मैंने उनसे, JSA हैं, तो मैंने उनसे बात की, उनसे मैंने पूछा कि ज्वाइनिंग प्रोसेस इसका क्या है। तो मुझे लगा कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जो CHSL का है और CGL का ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वो लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बल्कि बाकी सारा सिमिलर है ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। तो जैसे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो अगला स्टेप होगा जो SSC है, SSC का काम रिजल्ट ख़त्म, जो रिजल्ट डिक्लेयर है उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद SSC आपके जितने भी डोजियर्स हैं, वो सारे डोजियर्स को वो भेज देगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के पास। ठीक है, अगर आपका AFHQ है, तो AFHQ के पास SSC तुम्हारे जो जितने भी डोजियर्स हैं डॉक्यूमेंट्स सारे भेज देगा। अगर आपको CSS मिला है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, या फिर कोई इनकम टैक्स है, कोई भी डिपार्टमेंट है, या फिर आपको पोस्टल असिस्टेंट वगैरह, जो भी आपको पोस्ट वाला डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, तो जो SSC है, डोजियर्स हैं आपके, वो उन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भेज देता है। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलरली AFHQ की बात करूँ, तो AFHQ में क्या होगा, आपके पास जो आपका डोजियर्स है, AFHQ को भेज दिया जाएगा SSC की तरफ से। वहाँ से वो लोग जो क्या बोलते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म है, वो वहाँ से आपको भेजे जाएंगे। आपके जो भी आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, उन सब के पास पोस्ट के थ्रू अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, और अटेस्टेशन फॉर्म 8-10 पेज का रहता है, तो उसमें सारी आपकी डिटेल्स आपको भरवाई जाएंगी। डिटेल्स का मतलब आपका जो भी आपका पर्सनल बायोडाटा हो गया, आपने इससे पहले कहीं यार जॉब की हो, इससे पहले आपने जो भी ग्रेजुएशन या उससे पहले 12th हाई स्कूल वगैरह जहाँ से की हो, जिस स्कूल से की हो, जितने परसेंटेज वगैरह हो, सारा डेटा वो आपका भरवाया जाएगा। और आपको हर एक चीज़ बहुत ही एक्यूरेटली और ऑनेस्टली मेंशन करनी रहती है। अगर कहीं पर भी आप लोग ब्लफ करने की कोशिश करते हैं, और उसमें लिखा भी रहता है साफ साफ, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन छिपाई, तो आपके खिलाफ़ नौकरी से तो निकाल ही जाएगा, साथ में आपके खिलाफ़ एक एक्शन और लिया जाएगा विभाग की तरफ से। तो कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन गलती से भी छिपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक तो आप जा रहे हैं AFHQ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, तो बहुत ही मतलब डिसिप्लिन और बहुत ही सजग डिपार्टमेंट है ये, तो इसमें आप कतई इस तरह की लापरवाही, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ आपको ढंग से भरनी है, और एक्यूरेट भरनी है, करेक्ट भरनी है। अगर एक भी गलती हो जाती है, तो फॉर्म तुरंत वापस कर देंगे। मेरे से छोटी छोटी गलती हो गई थी, जैसे कि इससे पहले मैं SI की जब ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने छोड़ा था, तो मैंने कब से कब तक किया था, जैसे जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की और जब छोड़ा, उसके बीच का मैंने पीरियड मेंशन कर दिया था, और उसमें कुछ एक चीज़ रह गई थी, एक दो चीज़, तो उसकी वजह से उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक है, ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है, इसी वजह से मेरी ज्वाइनिंग है थोड़ा लेट होगी, लेट 3-4 महीने करीब इसी वजह से लेट होगी, क्योंकि मेरा 2-3 बार वापस आया फॉर्म वहाँ से, अटेस्टेशन फॉर्म। तो आप लोग बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही ध्यानपूर्वक उस चीज़ को भरिए। कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग
ग्रुप में पूछ लीजिए या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिए कि सर इसमें क्या करना है। पर गलती कोई भी मत कीजिए। गलती करने का मतलब है, एक आपने गलती की तो समझ लीजिए एक महीने कम से कम आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप पोस्ट करेंगे 10 दिन में पहुँचेगा, फिर वो 1 हफ्ते 10 दिन वो अपना आराम से देखेंगे, ठीक है, पर वहाँ से 10 दिन वहाँ से वापस आने में आपको लगेगा। एक गलती की वजह से आपकी 1 महीना की जो सैलरी है वो आपकी चली जाएगी। यानी कि लेट अगर आपको शौक है तो करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है, गलती मत कीजिए और सारी चीज़ें जितना हो सके उतना अच्छे से और सही से भरिए, जिससे कि आपको मतलब ज्वाइनिंग लेट ना हो। अटेस्टेशन फॉर्म जो आप भर देते हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ जाता है वो चेक करते हैं, उसके बाद आपका होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में ये है कि आपने पिछले 5 सालों का ब्यौरा मांगते हैं, जो अटेस्टेशन फॉर्म रहता है उसमें, आप कहाँ कहाँ रहे हैं, घर पर रहे हैं, आपने तैयारी की है कहीं, ठीक है, या फिर कहीं कॉलेज में आप रहे हैं, तो वहाँ का पिछले 5 साल में जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ का ब्यौरा आपको देना रहता है। जैसे कि मैंने 5 साल में घर तो कॉमन ही रहता है, एक तो घर का जो एड्रेस है वो डाला वहाँ रहा, दूसरा मेरा ग्रेजुएशन था वो भी मैंने डाला पिछले 5 साल में, वो भी आ रहा था, तीसरा मैंने ट्रेनिंग किया था तो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की थी तो UPSI की, तो मैंने वो भी उसमें इंक्लूड किया था, तो मेरा 3 जगह से वेरिफिकेशन हुआ था, तो इसलिए मेरा ज्वाइनिंग काफ़ी लेट हो गया था अलग अलग जगह से, ऊपर से मैंने गलती भी हो गई थी अटेस्टेशन फॉर्म में, तो ज्वाइनिंग मेरी काफ़ी लेट हो गई थी जो अन्य मेरे साथी हैं उनकी तुलना में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, और जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा जब, तब फिर वहाँ से आपका वो लोग ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे, जिसका जो कि आपके लिए मोस्ट अवेटेड मोमेंट रहता है, जिसके लिए आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, ठीक है। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आएगा तब आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे उसको देख के, ठीक है, बिलीव मी, जब आएगा तब आप मुझे बताना कि कैसा आपको लगा। तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आपका मेडिकल भी रहेगा, जो मेडिकल आपको कराना रहता है, यही एक डिफरेंस है CGL का जो मेरा हुआ था और CHSL में जो मुझे बताया गया कि आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आपका मेडिकल रहता है, जबकि मेरे साथ CGL में क्या हुआ था, पहले मेडिकल उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया था, जबकि जो CHSL में जो मुझे बताया तो ये बताया गया है कि जो आपका मेडिकल है वो उसके साथ ही आता है ज्वाइनिंग लेटर के साथ, तो आप मेडिकल करा के साथ ही में आप जा सकते हैं। जब भी उसमें ज्वाइनिंग लेटर रहता है उसमें आपकी डेट दी रहती है, ठीक है, तो आपकी डेट दी रहती है तो उस डेट को आप वहाँ पर जा सकते हैं, उस मतलब ऐसे 1-2 महीने का पीरियड रहता है, उस बीच में आप जाके वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं FSQ में, और अपना इसी बीच मेडिकल करा लिया कहीं से, जो कि उसमें रहता है CMO या एडिशनल CMO रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वहाँ से आपने मेडिकल करा के और साथ में लेके जाना है, वहाँ सबमिट कर देना है। तो ये हो गया आपका जब आपका रिजल्ट आ गया उससे लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस, ठीक है। आप फिर उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं, आप आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ओरिजिनल वो जमा कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए भेज दिया जाता है, 8-10 दिन के बाद वो कहते हैं हम आपको फ़ोन करके बता देंगे फिर आ जाना, फिर उसके बाद आप लोग जाते हैं और फिर प्रॉपर जो भी आपको ब्रांच मिलती है अलॉट होती है उस दिन से आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है वो पीरियड जैसे कि आप पहले दिन रिपोर्ट किए उसके बाद जब आपको ब्रांच अलॉट हुई तो कभी कभी पीरियड वो कम भी होता है कभी कभी ज़्यादा भी होता है, जैसे कि मेरे केस में तो जो पीरियड था वो 15-20 दिन का रहा था, तो लेकिन मेरे एक दो दोस्त हैं, एक दो नहीं ज़्यादा लोग का, जिनका 2-3 महीने बाद कॉल आया, तो उनको ये भी फ़ायदा हुआ 2-3 महीने तक आप घर पर आपको छुट्टी मिल जाती है एक तरीके से, रिपोर्ट आपने कर दिया सैलरी आपकी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद 1-2 महीने आप घर पर रहे तो उसके बाद आपको बुलाते हैं, तो आपका फ़ायदा ही है, आपको छुट्टी ज़्यादा मिल जाती है। मेरे को तो 15-20 दिन का मिला था टाइम, तो और जो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था जनवरी में तभी से मेरी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहता है तो उस पर जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें आपका एक नंबर दिया रहता है वहाँ FSQ का, तो उस पर आप कॉल करके जो भी डाउट्स है क्वेरी आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेरी है तो आप चाहते हैं तो मुझसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक हो सकता है मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप लोग कुछ लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे आगे भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी वैल्यूएबल। और उसके अलावा अन्य मिनिस्ट्री का अन्य डिपार्टमेंट का भी जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं कोशिश करता हूँ वीडियो और बनाने का, जिससे कि जो कि AFSQ के अलावा अन्य लोग भी हैं उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ।